आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि मशीन नेटिंग में और हैंड नेटिंग में क्या अंतर रहता है। जाहिर सी बात है, जो काम हम हाथ से करेंगे उसमें हमें समय ज़्यादा लगेगा और जो काम हम मशीन से करेंगे उसमें हमें समय कम लगेगा। हाथ से जब हम नेटिंग करते हैं तो हमें बहुत कम उपकरणों की ज़रूरत होती है, सिर्फ दो सिलाइयाँ चाहिए होती हैं और एक ऊन का गोला चाहिए होता है, तो हम उसको कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। पर अगर हम मशीन से नेटिंग कर रहे हैं तो उस मशीन को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए हमें जगह चाहिए होगी, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें जगह चाहिए होगी। अगर वो इलेक्ट्रिक मशीन है, बिजली से चल रही है, तो हमें अकॉर्डिंगली बिजली का कनेक्शन चाहिए होगा। कहने का मतलब ये है कि हैंड नेटिंग आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, पर मशीन नेटिंग आप एक फिक्स जगह पर ही करेंगे। मशीन नेटिंग जाहिर सी बात है जल्दी हो जाती है, फास्टर है, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो जल्दी होगा और नंबर ऑफ स्टिचेस जो हम मशीन नेटिंग में हैंडल कर सकते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं। हैंड नेटिंग में थोड़ा सा हमारा एक लिमिटेशन आ जाता है क्योंकि सिलाइयाँ होती हैं, तो जितनी लंबी हमारी सिलाई होगी उसके अकॉर्डिंग हम उतने ही फंदे डाल पाएंगे और उससे ज़्यादा हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। बुनते बुनते वो पीस भी भारी हो जाएगा, तो एक लिमिटेशन है कि हम कितना बड़ा लंबा चौड़ा निट कर सकते हैं उसमें, पर मशीन में इस तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। हैंड निटर्स के पास ये कि ऑप्शन होता है कि वो अपने डिज़ाइंस अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर मशीन में अगर कोई भी चेंज हमें करना है तो हमें अकॉर्डिंगली इक्विपमेंट और मशीन की नीडल्स और सेटिंग्स जो हैं वो हमें बदलनी होगी। विस्तृत डिज़ाइंस दोनों में ही डल सकते हैं, हैंड नेटिंग में या मशीन नेटिंग में, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बट मशीन नेटिंग में जैसे मैंने बताया आपको कि उसकी सेटिंग्स हमें स्पेसिफिकली बदलनी पड़ेंगी। हैंड नेटिंग जो है वो एक हॉबी है, तो इसको ये माना जाता है कि ये माइंड को जो है वो सूद करती है, वो रिलैक्स करती है माइंड को, और इसमें कोई नॉइज़ नहीं होती है, कोई इसमें आवाज़ नहीं आती है, तो ये एक रिलैक्सिंग हॉबी मानी जाती है। जब हम मशीन से काम करते हैं तो जाहिर है मशीन के चलने की तो आवाज़ आएगी ही, तो वहाँ पर साउंड पोल्यूशन की बात आ जाती है। हैंड निटिंग जो है वो बहुत वर्सेटाइल है, मतलब उसको आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, बट मशीन निटिंग में अगर आपने यार्न भी चेंज करना है तो आपने नीडल का साइज़ चेंज करना होगा, तो बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं मशीन नेटिंग में। जबकि मशीन नेटिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, मशीन्स एक्सपेंसिव होती हैं, बट जब हमें लार्ज स्केल में कोई चीज़ निट करनी है तो मशीन्स हमें सस्ती पड़ती हैं, और कमर्शियली अगर करना है तो डेफिनेटली हमें मशीन्स का उपयोग करना होगा। मशीन्स की अगर हम किस्मों की बात करें तो मशीन्स को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक उसके बेड के ऊपर कर सकते हैं कि नीडल्स किस तरीके से जो निटिंग बेड है उस पर लगी है, तो एक सिंपल सा है कि वो फ्लैट लगी हैं लेंथ राइट टू लेफ्ट, तो वो निटिंग नीडल्स एक के बराबर एक के बाद एक लगी होंगी एक रो में, तो उसको हम फ्लैट बेड कहते हैं। और अगर वही निटिंग नीडल्स जो हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म में लगी हैं तो उसको हम सर्कुलर बेड कहते हैं। तो फ्लैट निटिंग और सर्कुलर निटिंग, ये दो तरीके का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, डिपेंड करता है कि हमारी निटिंग नीडल्स जो हैं वो किस तरीके से उसमें लगी हुई हैं। फिर हम ये भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारी निटिंग नीडल्स जो हैं उसमें बेड कितने हैं। कई निटिंग नीडल्स में सिंगल बेड होता है, तो उसको हम कहते हैं सिंगल जर्सी निटिंग मशीन, सिंगल जर्सी। और अगर डबल होता है तो हम उसको कहते हैं डबल जर्सी निटिंग मशीन। आप कभी कभी जब होजरी का कपड़ा खरीदें खास तौर से, तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ फैब्रिक्स थोड़े से थिक होते हैं और उसमें थोड़ी सी एक ट्विस्ट होती है, और कुछ फैब्रिक्स पतले होते हैं, तो पता चलता है कि वो सिंगल लेयर ही हैं। तो इसमें सिंगल जर्सी और डबल जर्सी डिपेंड करता है कि उसमें कितने बेड्स हैं। फिर डिपेंड करता है कि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है, हमने जो बुना है उससे हम क्या बनाएंगे।
तो कई मशीन्स ऐसे होती हैं जो इनमें स्वेटर्स बन के तैयार होते हैं, तो वो एंड प्रोडक्ट अगर हमारा स्वेटर है तो वो ही बन के तैयार हो रहा है। कुछ मशीन्स हमारी ऐसी होती हैं जिसमें हम निटेड फैब्रिक बुन देते हैं, तो वो एक फैब्रिक बुन कर निकलता है और उसको फिर हम कट एंड स्टिच करके जो भी गारमेंट हमें बनाना है हम वो बनाते हैं। तो मशीन्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एंड प्रोडक्ट भी हो जाता है कि हम उस कपड़े से क्या बना रहे हैं, क्या बनकर निकल रहा है। फिर हमारा एक क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर ऑफ दी वेफ्ट निटिंग। वेफ्ट निटिंग ज़्यादा पॉपुलर होती है, तो वो उसमें हम सीधा सीधा बुन रहे हैं या हम सिर्फ उल्टा उल्टा बुन रहे हैं या हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा जिसको हम रिब कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ वेफ्ट निटिंग के अकॉर्डिंग हम सिंगल जर्सी निट कर रहे हैं, हम इंटरलॉकिंग निट कर रहे हैं या हम रिब निट कर रहे हैं, रिब मतलब एक सीधा एक उल्टा, या हम पर्ल निट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द निटिंग जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारी जो मशीन्स हैं वो क्लासिफाइड होती हैं। फिर एक क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द नीडल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन में सीखा था कि तीन प्रकार के नीडल्स होती हैं, एक लैच नीडल, एक बियर्डेड नीडल और एक कंपाउंड नीडल। तो जिस तरीके की नीडल हम यूज़ कर रहे हैं और जिस तरीके का हमारा बेड है, सर्कुलर है या फ्लैट है, तो उस पर क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और एक इस पर भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि वो सिंगल जर्सी है या डबल जर्सी है। तो नीडल्स की जो टाइप हम यूज़ कर रहे हैं उस टाइप पे वेदर इट इज़ सिंगल जर्सी और डबल जर्सी, वेदर इट इज़ फ्लैट और सर्कुलर, इस पर भी क्लासिफिकेशन मशीन्स का होता है। अब जब हम निटिंग करते हैं तो एक बात एक शब्द आता है गेज। गेज का मतलब है कि कितना हम थिक यार्न यूज़ कर रहे हैं और कितना हम थिक नीडल यूज़ कर रहे हैं, वो गेज को डिफाइन करता है। गेज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक इंच, एक स्क्वायर इंच में हमने कितने स्टिचेस बुने हैं, कितने स्टिचेस डाले हैं और कितनी सिलाइयाँ बुनी हैं, वो उसका गेज बताता है। जितना फाइन कपड़ा होगा, जितना छोटा स्टिच होगा, उतना ज़्यादा गेज होगा। जाहिर सी बात है, जितना छोटा स्टिच होगा उतने ज़्यादा स्टिचेस होंगे एक इंच में, उतनी ज़्यादा लाइनें बुनेंगी। तो जितना पतला धागा होगा उतना गेज ज़्यादा होगा। तो ये गेज समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर कपड़े की क्वालिटी निर्भर करती है। जब हम गेज की बात करते हैं मशीन्स में, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि फाइन गेज जो है वो बारीक कपड़ा बुनकर तैयार करता है, उसमें सबसे पतला धागा यूज़ होता है और उसमें जो नीडल्स होती हैं वो 3.6 mm की दूरी पे लगी होती हैं और बिल्कुल लाइट वेट कपड़ा इससे तैयार होता है। और इसका कपड़ा ज़्यादातर स्पोर्ट्स वेयर में यूज़ होता है, स्पोर्ट्स वेयर या नाइट वेयर में यूज़ होता है। फिर एक स्टैंडर्ड गेज मशीन आती है जिसमें नीडल्स जो हैं वो 4.5 mm की दूरी पे लगी होती हैं और इससे जो है वो सॉक्स और ग्लव्स बनाए जाते हैं। उसके बाद मिड गेज मशीन आती है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मशीन होती है। इससे हर तरीके का कपड़ा बन जाता है, हर तरीके का यार्न बुन जाता है और इसमें 6.5 mm की दूरी पर नीडल्स लगी रहती हैं। हर तरीके का फैंसी यार्न, वर्स्टेड यार्न, प्लेन यार्न, सब तरीके का इसमें यूज़ होता है और लाइट वेट कपड़ा इस भी इसमें बन जाता है। उसके बाद आता है बल्की और चंकी में। इसमें भारी नीडल्स यूज़ होती हैं, मोटी नीडल्स होती हैं, इसलिए वो 9 mm की दूरी पर एक दूसरे से लगी होती हैं। और लास्टली एक एक्सप्रेस मशीन्स होती हैं। एक्सप्रेस मशीन्स पोर्टेबल मशीन्स होती हैं, इनको हम कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं और बुनाई कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं और ज़्यादातर इसको इंडस्ट्री में डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं नए नए डिज़ाइंस क्रिएट करने के लिए, जिससे कि वो मशीन्स पर लार्ज स्केल पे कमर्शियल यूज़ के लिए बुने जा सकें।
इसको एक तरीके से सैम्पल निटिंग मशीन भी कह सकते हैं, जिस पर सैम्पल्स डिज़ाइनर्स तैयार करते हैं। सो आई होप आपका ये मशीन्स हैंड निटिंग, मशीन निटिंग में डिफरेंस प्लस मशीन्स का कैटेगराइजेशन हम किस तरीके से करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।